करते हैं तो सूडो कोड. सूडो कोड क्या होता है? तो सूडो कोड इज आर्टिफिशियल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट हेल्प्स यू टू डेवलप एल्गोरिथम. सूडो कोड कुल मिला के कहें तो नॉर्मल अपनी जो भी भाषा है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में तो इंग्लिश कह दें, हम हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी कह दें, जिसमें भी लिख रहे हैं वो लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मिक्सचर है. जो एक साधारण एल्गोरिथम हम लिखते हैं वो, और प्रोग्राम जो लिखते हैं, जैसे सी प्रोग्रामिंग लिख रहा हूँ तो सी प्रोग्रामिंग वाले में इनका दो मिक्स्ड फॉर्म है. जो साधारण अपनी जो जिस लैंग्वेज में जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं उसमें भी उसको फॉलो कर सकें और उसको कोड में लिखें तो भी लगभग वैसा ही लिख सकें, उसको सूडो कोड बोलते हैं. कुछ लोग सूडो कोड को एल्गोरिदम भी बोल देते हैं, जो थोड़ा सा गलत है. ये सूडो कोड जो है वो प्रोग्रामिंग नहीं है. ये हमें प्रोग्राम की स्ट्रक्चर के बारे में बता देता है. जब जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग सीखने लगेंगे तो अपने दिमाग में सूडो कोड ऑटोमेटिकली बनने लग जाएगा, क्योंकि एक प्रोग्राम लिखने के लिए हमें एक एल्गोरिथम की ज़रूरत पड़ती है. यदि अपनी एल्गोरिथम हम लिख चुके हैं तो बाद में हमें सी के स्टेटमेंट आने चाहिए. वो स्टेटमेंट यदि हमें समझ में आते हैं तो हम सूडो कोड, मतलब उसका एक रफ आइडिया अपने दिमाग में प्रोग्राम का बना लेते हैं और वो प्रोग्राम की फॉर्मेट में बनाते हैं कि ये इससे बड़ा होगा, ये इससे, ये एक्सप्रेशन इस तरह से रिजल्ट देगी, उसके बाद हम ये निकालेंगे इस तरह से. तो इस सूडो कोड का एक एग्जांपल देखते हैं. तो एक हमें कुछ ग्रेड पढ़नी है, कुछ मार्क्स पढ़ने हैं कि किसी स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए. जैसे यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिया है, उसमें 60 लिया है कि 60 मार्क्स आते हैं तो वो पास अन्यथा फेल. 60 मार्क्स 60 अंक मिलने पर वो सफल अन्यथा असफल. तो सूडो कोड में हम क्या करेंगे, तो सूडो कोड में ये ऊपरी ऊपर लिखा है इंट ग्रेड और रीड स्टूडेंट्स ग्रेड. दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सूडो कोड. ये सूडो कोड का पार्ट नहीं है, क्योंकि सूडो कोड में सिर्फ वो पार्ट आएगा जो एग्जीक्यूट होता है. ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन इसमें नहीं आएगी, रीडिंग पार्ट इसमें नहीं आएगा. तो सूडो कोड में आएगा नीचे वाला पूरा पार्ट. ये ऊपर वाला पार्ट मैंने दिया है, हमने डिक्लेयर कर रहे हैं हम ग्रेड को, क्योंकि एक प्रोग्राम में हम डिक्लेयर करते हैं और फिर उसको रीड करने के इंस्ट्रक्शन से. सूडो कोड में बाकी पार्ट है जिसमें एक इफ सिलेक्शन स्टेटमेंट है जो सेलेक्ट करता है कि हम इवेंट को यस करना है या नो करना है. उसके बाद में यदि वो कंडीशन यस कहती है तो फैसला लेगा कि उसको पास प्रिंट करना है, यदि कंडीशन नो कहती है तो उसे फेल प्रिंट करना है. और उसके बाद में कुछ और भी हमने उस प्रोग्राम को करने को कहा है, सूडो कोड में लिखा है, तो वो भी ये कर लेगा. जैसे हमने प्रिंट ए न्यू लाइन, मतलब नई लाइन में जाने के लिए कुछ प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कर